उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गोरखपुर पुलिस ने रविवार को फरार चल रहे 6 में से 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह और एसआई अक्षय कुमार मिश्रा शामिल हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पुलिसकर्मी कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही रामगढ़ताल इलाके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कानपुर पुलिस ने मांगी थी जनता से मदद। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शनिवार को फरार पुलिसकर्मियों की फोटो जारी कर जनता से उन्हें पकड़वाने की मदद की मांग की थी। बयान में कहा था कि फरार पुलिसकर्मियों के बारे में सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। इसके साथ ही उसे प्रत्येक आरोपी के हिसाब से 1-1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। हम बता देते चले कि आपको 6 आरोपी जो हैं इस मामले में 6 आरोपी हैं, जिनमें से 6 में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 4 अभी फरार चल रहे हैं और चारों में से 1-1 लाख रुपए का इनाम है और 1-1 लाख रुपए प्रत्येक आरोपी के ऊपर इनाम है। जो पकड़वाएगा उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा।